गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं और मम्मी जा रहे हैं गांव। मैं तैयार हो गई हूँ, मम्मी तैयार हो रही हैं, चलिए चलते हैं। तो जी मैं तैयार हूँ। मैंने अरे यार फिर से वही टॉप पहन लिया मम्मी, यही टॉप पुराने वीडियो में भी पहन लिया था। अरे चल कोई नहीं, ये नहीं होता। हाँ चलो, कपड़ा है, रिपीट तो करेंगे। तो जी गाँव पहुँच गए हैं और अभी थोड़ा सा पैदल चलना है अंदर की गली में, तो वही पैदल जा रहे हैं। मम्मी तो निकल ली, मम्मी को भाई लेने आ गया था और मैं पैदल जा रही हूँ, अभी आएगा लेने। तो ये देखिए व्यू गांव का, खेत ही खेत, गेहूं लगा हुआ है। ये शाम को अभी निकलेंगे तो और अच्छे से दिखाएंगे। यह गांव की बात ही अलग होती है, लेकिन ये थोड़ा सा 5 मिनट का रास्ता है तो वही अंदर की गली पैदल जाना होता है। हे गाइस, तो मैं अपने गांव आ चुकी हूँ और मेरे गांव में 2 घर हैं। एक में सब लोग रहते हैं, मतलब पूरी फैमिली उसमें रहती है, और एक घर है जिसमें पहले गाय भैंस पाले जाते थे। मतलब वो घर बना है, प्रॉपर नहीं बना, लेकिन उसमें गाय भैंस रखे जाते थे और अभी फिलहाल वो खाली। हेलो जी, तो हम अभी दूसरे वाले घर पे हैं और ये मतलब ये घर पे कोई रहता नहीं है। ये वाले घर में यहाँ पे पहले गाय भैंस को रखा जाता था, पर अभी तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ मतलब यहाँ पे जैसे धान गेहूँ ये सब चीज़ें आती हैं तो उसकी कटाई वटाई सब होती है। तो मैं आपको दिखा दूँ, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। जस्ट बगल में नहर है, बट अभी फ़िलहाल नहर सूखी हुई है, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये छत है, ये हमारा घर, अभी मैं छत पे हूँ। यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं, मम्मी बैठी हुई हैं एक आंटी के साथ, वो कुछ काम कर रही हैं, धान वान या सरसों का कुछ तो कर रही हैं। वो जो आपको दिख रहा है वो मैं अब आपको नहर दिखाऊंगी। मतलब ये घर है, ठीक है, और जस्ट वो जो आपको थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी सा दिख रहा होगा, ये पैरा रखा है उसके जस्ट बगल में, वो नहर है। लेकिन अभी सूखी हुई, उसके पीछे खेत, अभी फ़िलहाल धान लगा था ना, गेहूँ तो अभी ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब ग्रीन ग्रीन, जब और सारी खेती होती है तो पूरा ग्रीन ग्रीन सा रहता है, बहुत प्यारा व्यू। मतलब छती से नहर दिखती है, देन उसके पीछे सारी ग्रीन, पूरी मतलब जो भी खेती होती रहती है, मस्त व्यू, बहुत तगड़ा रहता है व्यू तो। और ये शाम हो चुकी है, 5-6 बज रहे हैं, 5-5:30 हो रहे होंगे, एग्जैक्टली टाइम नहीं पता मेरे को। बहुत प्यारा व्यू है छत से, और ये है मेरा गांव। वो जो दिख रहा है वो वाला, ये तो मेरा दूसरा वाला घर है, ठीक है। और जो मेन घर जहाँ सब लोग रहते हैं, वो जो टंकी दिख रही है ब्लू कलर की टंकी, ठीक है, वो है वहीं पे। हम लोग मतलब बहुत पास है, बहुत ही पास है ये वाले घर से। वो जो ब्लू टंकी है वो है मेन घर, वहाँ सब लोग रहते हैं। मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है, यहाँ पे पहले गाय भैंस पाले जाते थे, अब तो सारे बेच दिए गए। मज़ा आ जाता है यार गाँव, मटक मटक के आ रही। मम्मी देखो, लौकी देखो कितनी बड़ी बड़ी, बीजा के लिए छोड़ी है। क्या बीजा के लिए? क्यों? पक जाए तो इनमें बीजा निकले, फिर अच्छा वो छोड़ा गया है, यही लिए छोड़ा जाता है, लड़ा गया है। तो इस लौकी के बारे में बात हो रही है, बहुत दोनों है। हाँ हाँ, दिख गया, चलो घर चले। फिर से एक गली, ये वाला घर है हमारा। हाँ दीवार दिखाए भी, ये एक वाला कुत्ता, अरे बच्ची तुझे तो डर लागत है, बस करा बस कर, बाद में बस कर दी बस।
हमें देखो प्यार है। अरे कुछ नहीं करेगा, पालतू है। ये चाची तुम तो बिल्कुल बहुरिया लग रही हो। जी ये हमारी बगिया है। हाँ अभी मत, आज दूसरा दिन है। कल मैं व्लॉगिंग कर नहीं पाई थी क्योंकि तबीयत नहीं सही थी। माताजी हम लोग घूमने निकले हैं, जो भी यहाँ पे फैम रिश्तेदार हैं उनके घर गए थे ना मम्मी। बगिया है ये हमारी और ये गली से फिर से घर। तो जी हम घर जा रहे हैं। चलो मम्मी घर दिखा देते हैं। ये है हमारा घर उधर वाला। ये मेरे छोटे पापा का घर है, कोई है नहीं अभी तो बंद है। और ये इधर वाला हमारा। माता जी एंट्री लेते हुए। जी अभी हम फिर से दूसरे वाले घर के साइड जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे आजी हैं, आजी कुछ काम वाम करा रही हैं। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है अंदर।